तो हमने इम्प्लाइड कंडीशन को इन डिटेल विद एग्जांपल पढ़ा। जैसे इम्प्लाइड कंडीशन है वैसे ही वारंटी में हमने डेफिनेशन समझी थी। अब हम देखते हैं इम्प्लाइड वारंटीज, मींस ऐसी वारंटी जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो वो इम्प्लाइड है, उसे हमें एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं चार टाइप की इम्प्लाइड वारंटीज जो है वो है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सबसे पहला हम देखते हैं वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने किसी से, ठीक है, वंस अ पर्सन बायस द गुड, एक बार मैंने बायर से अगर गुड्स खरीद लिए हैं तो वो गुड्स पूरी तरीके से मेरा है, कोई दूसरा जो है उस पर हक जो है वो नहीं जमा सकता, बार बार उस गुड्स के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। सपोज मान लो ए ने एक फार्म हाउस जो है वो बी को बेचा है, ठीक है, एक फार्म हाउस जो है वो बी को जो है वो बेचा है। अब क्या हुआ, बी जो है इसका पूरी तरीके से ओनर जो है वो बन चुका है। अब ए जो है वो बार बार बी को डिस्टर्ब कर रहा है कि यार प्लीज वीकेंड में मैं इसको यूज करूंगा, मेरे फैमिली आने वाले, हर वीकेंड जो है इसके पास जाता है, बोलता है मुझे लैंड स्विमिंग पूल का यूज करने दे, कभी बोलता है कि मुझे फार्म हाउस का यूज करने दे। तो बार बार इसकी ओनरशिप है और बार बार जाकर वो उससे डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहां पर भी जो है अगर उसे लगता है तो वो जो है इस पर स्यू जो है वो कर सकता है, अगर ए जो है अपने फार्म हाउस पर हक जमा रहा है। बिकॉज यहां पर ए ने जो है फार्म हाउस बेच दिया है बी को, तो पूरी तरीके से बी जो है वो इसका ओनर है। ए जो है बार बार अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि मुझे ये यूज करने दे ये यूज करने दे। तो इसीलिए वारंटी है कि अगर कोई भी गुड्स खरीदा जा रहा है तो जो खरीद रहा है उसकी पूरी ओनरशिप है, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है उस पोजिशन में नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वॉट इज एनकम्बरेंस। तो यहां पर मैंने आपको ईजी कर दिया है, वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी और लोन। जो गुड्स जो मैं बेच रहा हूं, अगर किसी बायर ने गुड्स बेचा है तो जो गुड्स बेचा है वो एज अ लोन जो है वो चार्ज पर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हिंदी में मैं बोलू तो वो गुड्स जो है वो गिरवी पर नहीं रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू। ए ने लोन लिया, ठीक है, ए टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ए ने लोन लिया है ₹1 लाख का, ठीक है, और ए ने जब लोन लिया तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक जो है वो एज अ चार्ज या एज अ कोलेटरल जो है एज अ सिक्योरिटी वो कुछ मांगेगी। तो उसने ए ने क्या किया, अपनी बाइक जो है वो गिरवी पर रख दी, ठीक है, के और कोलैटरल का मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि यहां पर कोलैटरल या चार्ज का मतलब होता है अगर ए जो है वो 1 लाख जो है वो नहीं दे पाया प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, तो बैंक जो है उसकी बाइक जो है वो ले लेगी। तो यहां पर फिर भी रखी उसने बाइक, ठीक है, जब तक लोन अमाउंट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अब देयर वॉज अ लोन गोइंग ऑन ए, ए पर ऑलरेडी लोन जो है वो चल ही रहा था और बाइक जो थी एज अ कोलैटरल या एज अ चार्ज जो है बैंक के पास था। अब ए ने क्या किया, ऑलरेडी बाइक जो है उस पर एनकम्बरेंस या लोन था, गिरवी पर रखा था, और ए ने क्या किया, सी को जो है वो बाइक बेच दी, ऑलरेडी उस पर गिरवी पर बाइक जो है वो रखी हुई थी। इन दिस केस इम्प्लाइड वारंटी है कि बिकॉज ए ने बाइक के नाम पर एज अ कोलेटरल बाइक जो है वो बैंक को दे रखी है, तो ए के पास कोई राइट नहीं है कि वो बाइक सी को बेच पाए। तो इसीलिए यहां पर देखो आपको दिखा हुआ, ए कांट सेल द बाइक टू सी बिकॉज एज द बाइक इज नॉट फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटी और द लोन। अभी तक उसने लोन जो है बैंक को नहीं भरा है, इसीलिए बाइक जो है वो नहीं बेच सकता है बिकॉज वो ऑलरेडी गिरवी पर रखी हुई है। तो इसीलिए सी जो है उसके पास पूरा राइट है कि वो ए से जो है जो भी अमाउंट जो है वो रिकवर करे डैमेजेस का, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया हो। जो गुड्स मैं बेच रहा हूं वो फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी या
एनी चार्ज होना चाहिए, वो गिरवी पर रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं एनकम्बरेंस। यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट केस है कि अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो गुड्स बेच रहा हूं तो मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके यूज करने पर अगर कुछ हेल्थ को नुकसान पहुंचा या कोई भी डेंजर है तो मैं उस पर्पस को मैं बताऊं। अगर मैं बेच रहा हूं और मैंने पर्पस नहीं बताया और उसको नुकसान हुआ उस पर्पस ना बताने से डेंजर पर्पस को, तो जो जिसको बेचा है, जिसको नुकसान हुआ है, वो बेचने वाले पर जो है केस जो है वो कर सकता है। तो देखिए आपको क्या लिख रखा है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। तो यहां पर ये दे रखा है कि अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, अगर मैं गुड्स डेंजरस नेचर का बेच रहा हूं, या तो मेरा पैकेट है, ठीक है, उस पैकेट पे मैं लिख दूंगा कि अगर मैंने पेस्टिसाइड को, अगर किसी ने भी पेस्टिसाइड को कंज्यूम किया तो उसकी डेथ हो सकती, तो मुझे ये स्पेसिफिकली मेरे पैकेट पर नोट देना पड़ेगा कि कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल लीड टू डेथ। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लिखी अपने पैकेट पे, तो जो जिस पर इम्पैक्ट हुआ है, जो पार्टी है, वो स्यू कर सकती है। तो देखिए, अगर गुड्स जो है वो डेंजरस नेचर का है, तो सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करे। अगर सेलर जो है वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो बायर जो है वो सेलर पर लायबल रहेगा, बायर में मेक हिम लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। तो यहां पर हम केस देखते हैं, ए ने परचेज किया है हॉर्स, ठीक है, किससे, बी से। अब बी ने कुछ बताया ही नहीं कि मेरा हॉर्स जो है वो थोड़ा मेंटली डिसेबल है, वो कभी भी भड़क जाता है, ठीक है। तो देखिए, इफ द हॉर्स इज वायलेंट एंड, तो यहां पर जब खरीद रहा है तो बी की ड्यूटी है कि वो बताए कि मेरा हॉर्स जो है वो कभी कभी वायलेंट हो जाता है, और अगर आप इस पर सवारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब वायलेंट हुआ है तो आपको चोट लगे, आप गिर सकते हैं, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए को बताए। तो यहां पर वाइल राइडिंग, यहां पर बी ने उसको कुछ बताया ही नहीं और ए राइड कर रहा था, और ए को वो वायलेंट हुआ और ए को इससे बहुत सीरियस इंजरी हुई, तो बिकॉज यहां पर बी ने नहीं बताया है, तो ए जो है वो पूरी तरीके से एंटाइटल है, वो बी से चार्जेस लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो ये हमने कंडीशन में भी पढ़ा था कि इम्प्लाइड वारंटी है कि जो जो भी गुड्स हमने खरीदे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए और पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अगर ये वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम जो है वो क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं। देखो आपको क्या लिखा है, एनी डैमेजेस टू गुड विच कैन हैपन शुड बी मेड नोन टू द बायर इन एडवांस। जो भी डैमेज या कुछ भी हो सकता है वो बायर को पहले से सेलर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज हम मानेंगे कि ये ब्रीच ऑफ वारंटी है। तो आई होप आपको ये इम्प्लाइड वारंटीज जो है विद डेफिनेशन जो कि हमने पार्ट वन में समझा था वो क्लियर हो गई है। तो देखिए, फर्स्ट हमने देखा वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। जो भी मैंने गुड्स खरीदे उस पर मेरा पूरा हक है, बार बार जिससे खरीदा है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो ये इम्प्लाइड वारंटी है। नेक्स्ट हमने देखा था वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, मींस वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम लायबिलिटी। जो भी कोई गुड्स सेलर जो है वो गुड्स बेच रहा है, वो पूरी तरीके से एनकम्बरेंस से फ्री होना चाहिए, चार्ज से फ्री होना चाहिए, गिरवी पर नहीं रखा होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। जब भी मैं गुड्स, अगर मैं सेलर हूं और मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो मुझे बायर को उसके डेंजरस नेचर जो है वो बताना पड़ेगा, मेंशन करना ही पड़ेगा, इंप्लाइड वारंटी है। और नेक्स्ट, जो भी मैंने गुड्स एज अ सेलर अगर मैंने गुड्स जो है वो बेचे हैं, वो पूरी तरीके से क्वालिटी वाइज और फिटनेस वाइज जो है वो फिट होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस का। आई होप आपको ये वारंटी वाला टॉपिक भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने इन डिटेल पढ़ा व्हाट आर इंप्लाइड कंडीशन, उसके केसेस विद एग्जांपल, एंड व्हाट आर इंप्लाइड वारंटीज, उसके केसेस एंड उसके एग्जांपल्स। एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है, तो हमें अच्छे से करना है, और एग्जाम में हमें विद एग्जांपल्स ही लिखना है, इससे आपके शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स जो है वो पक्के हैं।